देश के अमर शहीदों के सम्मान के लिए बनाए गए रादौर के गांव गुमथला राव स्थित इंकलाब मंदिर में आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ कराया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर किया गया। वही हवन यज्ञ में आहुति डालकर शहीदों की आत्मिक शांति की कामना की गई। हवन यज्ञ का आयोजन स्वामी विनय स्वरूप शास्त्री की देखरेख में सम्पन्न हुआ। इस दौरान इंकलाब स्पोर्ट्स कराटे ग्रुप की ओर से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी का मनोरंजन किया। इस मौके पर स्वामी विनय स्वरूप शास्त्री ने कहा कि आज शहीदों के विचार व उनकी देश हित में बताई राह पर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज राजनेता जिस तिरंगे को लहरा रहे हैं वह केवल शहीदों के बलिदान से लहरा रहा है, लेकिन आज विडंबना की बात है कि जिन शहीदों ने अपना बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई थी उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया जा रहा है, जबकि राजनेता अपने नेताओं के बड़े बड़े चित्र अपने कार्यालयों में लगा रहे हैं लेकिन शहीदों के नहीं। वहीं इंकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वर्याम सिंह ने कहा कि आज इंकलाब मंदिर में शहीदों की आत्मिक शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था। इंकलाब स्पोर्ट्स कराटे टीम द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण का भी यहां आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अगर शहीदों के दिखाए मार्ग पर चले और जात पात व भेदभाव से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करे तो वह दिन दूर नहीं जब हम शहीदों के सपनों के अखंड भारत का निर्माण कर सकेंगे और हमारा देश विकसित देशों की सूची में नंबर एक पर होगा। इन प्यारे भारतवासियों, आज इंकलाब मंदिर में वीर शहीद भगत सिंह, वीर शहीद राजगुरु, वीर शहीद सुखदेव जी का शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अद्रबद्री से आए स्वामी विनय स्वरूप जी महाराज व शास्त्री जी ने वीर शहीदों की आत्मिक शांति व सुख समृद्धि के लिए पाठ किया। साथियों, इस अवसर पर कराटा टीम, इंकलाब कराटा टीम के जो मुखिया हैं शेर सिंह जी, उन्होंने बेटियों को सेल्फ डिफेंस का एक अनुभव दिया, उसका भी आज डेमो करवाया गया। और मैं आपके माध्यम से भारत देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि वीर शहीदों की कुर्बानी, त्याग और बलिदान को सदैव याद रखें। वो कौम में मिट जाती हैं जो अपने पूर्वजों को, अपने शहीदों को भुला देती हैं। जब भी वीर शहीदों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात आए तो हमें एकजुट होकर के एक राष्ट्र के रूप में, के एक देशभक्त के रूप में, के एक इकट्ठा होना है और वीर शहीदों को उनकी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने हैं। के माध्यम से एक मांग और भारत सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज शहीदी दिवस पर भारत सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए था। वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा देना चाहिए था। यह देश के अंदर बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होनी थी। शहीदों के विचार और शहीदों के बनाए हुए राह को पकड़ने की आवश्यकता है। आज मैं कहता हूँ नेता और राजनीति करने वाले लोगों को कि जितने भी तिरंगा लहरा रहे हैं आज हमारे देश में, ये तिरंगा इनके बदौलत नहीं लहरा रहा, ये तिरंगा शहीदों के बलिदान से लहराए रहा। जो शहीदों ने बलिदान दे करके 15 अगस्त 1947 को इसको आसमान में टांगा था, आज हम उन शहीदों को भूल रहे हैं, ये नेता भी भूल रहे। अपने नेताओं के, इनके पुराने नेताओं के तस्वीरें लगाना ये पसंद करते हैं, लेकिन ये हमारे शहीदों की तस्वीरों को लगाना नहीं पसंद करते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा सभी से भी, और आज इनकलाब मंदिर की स्थिति को मैं देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ कि यहाँ केवल और केवल शहीदों का ही मूर्तियाँ लगी हुई है और शहीदों को देख करके एक शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इन नेताओं के छल और कपट को समझ जाए और शहीदों की स्थिति को जाने, क्योंकि शहीद संपूर्ण राष्ट्र का पिता होता है, संपूर्ण राष्ट्र का पिता है। नेताओं को पिता बना दिया गया, परम पिता बना दिया जा रहा है, लेकिन जो बॉर्डर पे जाकर के लड़ा, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लड़ा, उसको कुछ नहीं समझा जा रहा। उसे कोने में डाल दो, एक छोटी सी फोटो लगा करके डाल दो, इसीलिए आज हमारे देश की स्थिति बिगड़ रही है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक